जी देख रहे हैं एमएनएस न्यूज पर। देखते आज की कुछ खास खबरें। यूपी के डीजीपी ओपी सिंह के मुताबिक पूर्व हिंदू महासभा नेता कमलेश तिवारी मर्डर केस में मौलाना मोहसिन शेख, फैजान और खुर्शीद अहमद पठान को हिरासत में ले लिया गया है। डीजीपी कमलेश के 2015 के भड़काऊ बयान को लेकर उनकी हत्या की गई और अब तक जांच में किसी आतंकी संगठन के शामिल होने की पुष्टि नहीं हुई है। डीजीपी ने कहा, हिरासत में लिए गए तीनों आरोपी गुजरात से हैं। दो अन्य मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश जारी। पूर्व हिंदू महासभा नेता कमलेश तिवारी की हत्या के बाद उनकी पत्नी ने कहा है कि न्याय न मिलने पर वह बच्चों के साथ आत्मदाह कर लेगी। वहीं परिवार ने कमलेश के दोनों बेटों को नौकरी देने की मांग करते हुए कहा कि अगर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे मिलने नहीं आए तो कमलेश का अंतिम संस्कार नहीं होगा। परिवार ने सुरक्षा देने की भी मांग की है। बता दें, दो लोगों ने कमलेश के ऑफिस में ही उनकी हत्या की। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर को 6 महीने की जेल। बिल्डर के घर में जबरन घुसने का है मामला। दिल्ली के एक अदालत ने एक दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल को एक बिल्डर के घर जबरन घुसने के मामले में 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है। हालांकि उन्हें जमानत मिल गई। शिकायतकर्ता के अनुसार गोयल ने 2015 में विधानसभा चुनाव से एक दिन पहले शराब छिपी होने के शक में उनके घर छापा मारा था। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक हाइक ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अब फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।